अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है पीर मोहम्मद रफ़ीक। आज हम एक नए मौजू के साथ आए हैं और उसके ऊपर बात करते हैं, और वो बात है कि जी फेसबुक क्या चीज़ है और फेसबुक का क्या मकसद है। बचपन में हम लोग किताबें पढ़ते थे, किताबों के साथ बहुत सारी चीज़ें जो है कुछ इक्तबासात होते थे, कुछ रिव्यूज़ होते थे, कुछ लोग किसी कमर्शियल के ऊपर रिव्यू दे रहे होते हैं, किसी ख़बर के ऊपर रिव्यूज़ दे रहे होते थे, इदारिये होते थे, तज्जिये होते थे, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती थी जिनमें लोग अपना इजहार ख्याल करते थे। तो वो चीज़ें सारी एनालॉग दौर की सारी चीज़ें थी जिनमें इजहार ख्याल के लिए लोग कागज़ का इस्तेमाल करते थे, तस्वीरों का इस्तेमाल करते थे, या लाउड स्पीकर के ऊपर वो ऐलान कर दिया करते थे। ख़ास तौर पर हाँ, आपकी पब्लिसिटी जो होती थी वो बहुत सारी कागज़ के ऊपर, ऐलान के ऊपर या इस टाइप की चीज़ों के ऊपर होती थी। फेसबुक ने आके क्या किया कि जिस तरह मोबाइल फ़ोन ने आके क्या किया तो बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर समो लिया था, इस तरह फेसबुक ने क्या किया कि अब आपका थॉट है, आप किसी बारे में इस ऐसा सोचते हैं, आप ये सोचते हैं कि पाकिस्तान की करेंसी गिर रही है या उठ रही है, या आपका जो है आज मौसम कैसा है, आज आपको अच्छा मौसम लग रहा है, किसी को अच्छा मौसम नहीं, जो भी आपकी राय है, आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है वो आप दूसरों को बता रहे होते हैं फेसबुक के ऊपर कि जी ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो आपका इजहार ख्याल जो होता है वो बहुत सारे लोगों के साथ शेयर होता है। मैं ये समझता हूँ कि आपका इजहार ख्याल शेयर होता है, दूसरों का इजहार ख्याल शेयर होता है, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, एनालॉग दौर के अंदर आप एक साथ दो तीन चार लोगों को, चार दोस्तों के साथ, पांच दोस्तों के साथ मिलते थे। बहुत ज़्यादा मशहूर किस्से हैं, हम पाकिस्तानी लोग जानते हैं कि जब पिकनिक का प्रोग्राम बनता है तो वो बनता है 20-25 लोगों में, और आखिर में जो है पिकनिक का दिन जब आता है तो एक अकेला आदमी बैठा होता है। फेसबुक ने क्या किया, फेसबुक ने ये किया कि अब आपके साथ हर वक्त 5000 लोग बैठे हुए हैं, आप जो बात कर रहे हैं 5000 लोग सुन रहे हैं, 5000 लोग अपनी राय दे रहे हैं, अपना रिव्यूज़ दे रहे हैं, अपने आंसर्स पुट कर रहे हैं, और ये सब कुछ कैसे हो रहा है, ये सिर्फ बैठे बिठाए हो रहा है। तो फेसबुक से आपने क्या शुरू की, क्या आपको हासिल हुआ, आपको ये हासिल हुआ कि आपको गैदरिंग हासिल हुई, आपको लोगों को का इल्हाक हासिल हुआ, आप लोगों को, आपके साथ लोग अटैच हुए, 24 घंटे अटैच हुए, जो कि चीज़ एनालॉग दौर के अंदर मुमकिन नहीं थी। प्लस ये कि आपके साथ और लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन के रास्ते हैं वो मल्टीपल हो गए, वॉइस कम्युनिकेशन हो गई, टेक्स्ट कम्युनिकेशन हो गई, ग्राफिकल कम्युनिकेशन हो गई, इमेजेस कम्युनिकेशन हो गई, और उसके अलावा वीडियो कम्युनिकेशन हो गई। तो इतने सारे पांच तरीके जो कम्युनिकेशन के उसने फराहम किए, ये तरीके एनालॉग दौर के अंदर पहले मुमकिन नहीं थे। और क्या चीज़ है कि लॉगिंग, कि हमने आज क्या किया, 10 साल पहले क्या किया, जब से हम फेसबुक यूज़ करते आ रहे हैं हमने क्या क्या किया, किसको क्या बोला, किसको क्या नहीं बोला, जो लोग भूल जाया करते थे उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो अगर आप भी भूलना चाहते हैं भूल जाएं, क्योंकि वो चीज़ लिखा हुआ है तो आपको रिकॉल करने में आसानी होगी बजरिया फेसबुक। प्लस ये इतने सारे लोगों की मौजूदगी में आप अच्छा क्या कर सकते हैं, आप प्लस क्या कर सकते हैं, आप वेल्दी क्या कर सकते हैं, वो ये है कि जो बात आपके एक मर्तबा बताने से कान वो कहते थे ना कि कानों से नहीं, तो वो बहुत दिनों में पहुंचती थी, अब एक चीज़, एक टेक्स्ट, एक लाइन आपकी एक मर्तबा बताने से हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी कम्युनिकेशन फास्ट हो गई है, और मोबाइल फ़ोन ने इसमें बहुत ही जो है बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो चूंकि आपकी कम्युनिकेशन फास्ट हो गई है और फेसबुक से फास्ट हो गई है, तो इससे आपका बिज़नेस भी तेज़ और आसान हो गया है। तो फेसबुक अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन करें, और मल्टीपल लोगों के साथ और अपने जैसे लोगों के साथ रहना पसंद करें, या उन लोगों के साथ रहना पसंद करें जिन जैसा आप बनना चाहते हैं। तो फेसबुक आपको ये सहूलत देता है कि आप जैसा बनना चाहते हैं वैसे लोगों को आप अपने साथ शामिल कर सकते हैं, वैसे लोगों को आप अपने दोस्त बना सकते हैं, उनकी बातें सुन सकते हैं, उनकी आदतें अपना सकते हैं, और आप अपने अंदर वो तब्दीलियाँ ला सकते हैं जो तब्दीलियाँ आपके डिज़ायर्ड लोगों में पहले से मौजूद हैं।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चीज़ के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।